यहाँ पर फंक्शन में x की बजाय a माइनस x कर दूं और इस इंटीग्रल को सेम करूं सॉल्व करूं तो जो इसकी वैल्यू है वो ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए। हमने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ किया था कि ये कैसे इक्वल है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे क्या स्टेप्स थे? पुट x इज इक्वल टू a माइनस t। मुझे यहाँ a माइनस x चाहिए, इसी को देखते हुए मैंने क्या किया, इस x की जगह क्या कर दिया, a माइनस t। dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब ये इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। जब x की जगह जीरो डालोगे तो t क्या हो जाएगा, a। और जब x की जगह a डालोगे तो t हो जाएगा जीरो। फंक्शन कैसे बदल जाएगा, f ऑफ a माइनस t और dx है माइनस dt। अब हमने क्या किया, हम इसको लिख दें जीरो से a f ऑफ a माइनस t dt। ये नेगेटिव साइन को हटा करके अपर और लोअर लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या मैं इसे लिख दूं जीरो से a f ऑफ a माइनस x dx। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं, लिमिट सेम रहे, तो इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है जी, सो वी कैन प्रूव जीरो टू a f ऑफ x dx इज सेम एज जीरो टू a f ऑफ a माइनस x dx। राइट ऑन अ क्वेश्चन, इंटीग्रल करना है e पावर cos x e पावर cos x अपॉन e पावर cos x e पावर माइनस cos x। लिमिट्स हैं जीरो से पाई। e पावर cos x अपॉन e पावर cos x प्लस e पावर माइनस ऑफ cos x जीरो टिल पाई। अब आपने a माइनस x करना है, मतलब x की जगह क्या डालना है, पाई माइनस x। आंसर बोलो बोलो आपने क्लास नहीं लगाई, अगर क्लास लगाई होती तो बात समझ में आ जाती। मैंने एक बात बोली थी, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस कर रहे हो कोई भी और प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो 95% क्वेश्चंस में लगती है और काम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे पहले जो हमने तीन प्रॉपर्टीज की थी, एक तो हम कह रहे हैं कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अगर डिफरेंट मतलब चेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव साइन अपर लोअर लिमिट को इंटरचेंज करने से नेगेटिव साइन आ जाता है। तीसरा हमने किया था कि हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, वो तो समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ करना है तुम्हें। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी हमने की थी जो कि आपको देखोगे लेक्चर तो पता चलेगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी जो भी हमने की वो ऑलमोस्ट सेम चीज है। अब मैं ए से बी की बजाय लिमिट जीरो से ए कर दूं तो ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो गई, a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर लगाओ ये पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी और मुझे बताओ कि ये क्या बन रहा है। ये अगर आई है, पिछला लेक्चर आप देख लोगे ना सूत्र तो आपको चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा e पावर माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा e पावर कॉस एक्स। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो डिनोमिनेटर अभी भी दोनों का सेम ही रह रहा है, कोई फर्क नहीं है इसमें। मैं इन दोनों को ऐड कर दूं
न्यूमरेटर बन जाएगा ई पावर कॉस एक्स, ई पावर माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर भी है ई पावर कॉस एक्स ई माइनस कॉस एक्स, तो वन बन गया ये। वन का इंटीग्रल एक्स, वैल्यूज पुट करो और आंसर बोलो। फाइव बाई टू, हाँ जी, ये आपका वन और ये आपका टू। वन और टू को जब आप ऐड करोगे तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एक का न्यूमरेटर है ई पावर कॉस एक्स, दूसरे का ई पावर माइनस कॉस एक्स, तो फाइनली न्यूमरेटर हो जाएगा ई पावर कॉस एक्स ई पावर माइनस कॉस एक्स, ऊपर नीचे कैंसिल, वन आ गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, जीरो से पाई आपकी लिमिट है, लिमिट डालो और आंसर को निकाल लो। ठीक है जी, चले आगे। फाइव बाई टू, हाँ जी ठीक है। लिखो जी, नेक्स्ट लिखो। शो दैट इंटीग्रल जीरो से पाई x f of x dx is equal to pi by 2 0 से pi, sorry this is f of sin x, I'm sorry, f of sin x, pi by 2 0 से pi f of sin x dx, 0 से pi x into f of sin x dx the same as pi by 2 0 से pi f of sin x dx। अगर आपको याद हो 0 से जो प्रॉपर्टी हमने की 0 से a वाली, उसको हम रिमूवल ऑफ x के लिए यूज करते थे। ठीक है जी, तो अब देखो जरा क्या आपका कुछ बात बनती है। यहाँ पर अगर अब आपने बेसिकली करना क्या, यहाँ से x ही हटाना, ये f of sin x dx तो यहाँ भी चाहिए, ये कांस्टेंट ही है, इसका मतलब x ही रिमूव हो रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ पाई माइनस x और देखो जरा क्या बनेगा। जीरो से पाई x f of sin x dx इज सेम एज जीरो से पाई पाई माइनस x f of साइन पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो मेरे पास ये इंटीग्रल बन जाएगा जीरो से पाई पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब अगर आप इसको और इसको ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाहर एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स जीरो से पाई, और मुझे i चाहिए तो यहां पर पाई बोल, 1 प्लस 2, सुखप्रीत जब 1 प्लस 2 करोगे यहां से आ रहा है पाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स, यहां से प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स, वो कैंसिल हो गया तो सिंपल टर्म ये बच जाएगा। एक और करो जरा, शो दैट जीरो से पाई बाय टू एफ ऑफ साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू अंडर रूट टू एफ ऑफ cos 2x into cos x। अब देखो जरा क्या करोगे, इसको
प्रोसेस कैसे आ जाएगा? साइन टू एक्स के साथ कॉस एक्स आया ना, मुझे तो कॉस चाहिए अल्टीमेटली। देखो कॉस एक्स तो आएगा लेकिन ये तो साइन ही रहेगा। मेरे पास है देखो देखो जरा, जीरो से पाई बाय टू एफ ऑफ साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी लगाई जब मैंने तो मेरे पास आया एफ ऑफ साइन टू इंटू पाई बाय टू माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स, पाई माइनस टू एक्स। और यहां हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन टू एक्स। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मुझे तो आंसर में यहाँ कॉस चाहिए, पहली बात बाहर कॉस चाहिए, अंदर भी कॉस चाहिए, ये रूट टू भी चाहिए साथ में। हाँ जी कुछ बता सकते हो क्या करूं? ये वन ये टू ऐड कर दो दोनों को। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो जरा क्या बनेगा मेरे पास, एफ ऑफ साइन टू एक्स एस सच साथ में आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। एफ ऑफ साइन टू एक्स दोनों में से कॉमन, यहां से साइन एक्स और यहां से कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर आप थोड़े ध्यान से एनालाइज करें, यहाँ आपको अंडर रूट टू चाहिए, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है, कुछ समझ में आता है क्या करें? बिल्कुल ठीक है, इसको अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जब आप इसको अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ रूट टू से मल्टीप्लीकेशन हो गई, एफ ऑफ साइन टू एक्स यहां पर एक जगह कॉस 45 और एक जगह साइन 45 डाल दूं तो फॉर्मूला किसका बन गया, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये बात समझ में आती है? अब ये साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स तो चाहिए नहीं मुझे, मुझे इसकी जगह क्या चाहिए आंसर में, कॉस चाहिए। इस टर्म को कॉस में कन्वर्ट करना हो, ये एंगल अगर पाई बाय टू माइनस थीटा बन जाए तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या चाहती हूँ, ये जो एंगल है ये क्या हो जाए पाई बाय टू माइनस थीटा से। इसका मतलब एक्स को पाई बाय फोर माइनस थीटा डाल दूं तो देखो दो काम, ये टर्म कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कैसे चेंज हो गई, ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ये पाई बाय फोर ये टू, तो पाई बाय टू माइनस टू थीटा वाली टर्म बन गई कॉस में कन्वर्ट हो गई, दोनों काम हो गए मेरे। मुझे यहां भी कॉस चाहिए था, यहां भी कॉस चाहिए था, वो थीटा के टर्म में आ गया। थीटा को वापस किस में लिख सकते हो, एक्स में लिख सकते हो, वेरिएबल को चेंज करके तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन यहां जब आप लगाओगे तो dx इज इक्वल टू माइनस डी थीटा हो जाएगा और उसी के हिसाब से लिमिट्स में क्या चेंज आ रहा है इसको जरा एक बार कंप्लीट कर लो और देखो जरा क्या आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक्स की जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ये डीएक्स को तो डी थीटा में ले जाना ही पड़ेगा, एंड में जाके क्या होगा, ये साइन ये कॉस थीटा बन गया, ये कॉस थीटा बन गया, सब कुछ थीटा में आ गया। आंसर में मुझे क्या बताना है एक्स की टर्म्स में, हाँ यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, देखो वही तो कह रहे करके देखो ना कुछ,
इसकी इसको पूरे को पहले थीटा में कन्वर्ट करो, लिमिट्स भी कन्वर्ट करो, इंटेग्रेंड को भी कन्वर्ट करो और मुझे बताओ क्या बन रहा है। फटाफट बोलो क्या आया यहाँ पर, एक और प्रॉपर्टी जो अभी करी नहीं है बीच में यूज करनी पड़ेगी। हाँ लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट कैसे चेंज होगी, 5/4 से माइनस 5/4 या माइनस, अच्छा ठीक है 5/4 से माइनस 5/4 डी एक्स है माइनस डी थीटा, ये बन जाएगा एफ ऑफ कॉस 2 थीटा और ये कॉस थीटा। पहले तो ये बात बता दो समझ में आती है, जब एक्स 0 है तो थीटा पाई बाय 4 है, जब एक्स पाई बाय 2 होगा तो थीटा क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 विच विल बी माइनस पाई बाय 4। अब इस नेगेटिव साइन को हटा करके माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एफ ऑफ कॉस 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पे एक दिक्कत आ गई कि जो मेरे पास वो था क्या बोले उसको, इंटेग्रेशन के अंदर इंटेग्रेंड था वो तो आ गया जो चाहिए था, लेकिन लिमिट में क्या चाहिए मुझे, जीरो से पाई बाय 2। पहले तो उसमें करेक्शन कर लो, वो जीरो से पाई बाय 2 नहीं है, जीरो से पाई बाय 4 है। क्वेश्चन में करेक्शन करो, जीरो से नहीं, जो प्रूव करना है उसमें, जो आपको टर्म प्रूफ करनी है उसमें जो लिमिट है वो जीरो से पाई बाय 2 नहीं है, जीरो से पाई बाय 4 है। अब यहां पर देखो एक प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें करनी है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, दैट इज माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ अभी बताती हूँ, पहले इसको एक बार यूज कर लें फिर उसके बाद इसको मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। अभी बाद में लिख लेना, अभी सिर्फ समझ लो, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बिकम जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड एंड टू टाइम्स जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज even। हाँ जी मैं चेंज कर दिया मैंने मार्कर, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा अगर ये फंक्शन ऑड हो, अगर ये अंदर पड़ा हुआ फंक्शन इवन है
तो कैसे चेंज होगा, टू टाइम्स जीरो से ए, लिमिट माइनस ए से ए की बजाय जीरो से ए हो जाती है। ठीक है जी, अब इसकी प्रूफ वगैरह सभी अब करेंगे। अब यहां पर देखो,